क्या फुकरा इंसान के मीटअप का रिकॉर्ड ब्रेक होने वाला है? ओ तेरी, एल्विश के बारे में ये क्या बोल दिया बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट ने? और क्या फुकरा इंसान नहीं जीतेगा बिग बॉस एल्विश यादव की वजह से? और ये किस गेमिंग क्रिएटर ने PS5 चला के दिखाया आईपैड में? मिस्टर फैजू की ये वीडियो आपको हैरान कर देगी। और कौन से यूट्यूबर हैं जिनको मौका मिला स्पेन जाकर फुटबॉल मैच देखने का? सबके बारे में वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बिग बॉस में 3 लोग नॉमिनेटेड हैं और उनको अभी तक आखिर कितने वोट मिले। तो अभी तक जिया को 3 लाख वोट मिल चुके हैं, मनीषा को 5 लाख और एल्विश यादव को मिले हैं पूरे 8 लाख वोट। हम तो सिस्टम ही सिस्टम कर रहे, करोगे सिस्टम हमारे साथ। सो अब बात करते हैं एल्विश यादव के मीटअप के बारे में। सो आज ये मीटअप दिल्ली में होने वाला है, एडवेंचर आइलैंड रोहिणी, सेक्टर 10 में शाम को 5 बजे। और भाई साहब, इस मीटअप में आपको बहुत सारे यूट्यूबर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि हर्ष बेनीवाल, पूरव झा, लक्ष्य चौधरी, लव कटारिया, UK07 और बहुत सारे सिंगर्स भी, जैसे कि फैजल पुरिया। और इन सब लोगों ने रिक्वेस्ट की है लोगों से इस मीटअप में ज्यादा से ज्यादा आने की। तो अब बात करते हैं क्या ये मीटअप फुकरा इंसान के मीटअप का रिकॉर्ड तोड़ देगा, क्योंकि जब ट्रिगर्ड इंसान ने फुकरा इंसान के लिए मीटअप किया तो उस मीटअप में भाई साहब 20,000 से 25,000 लोग आए थे। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आज एल्विश यादव के मीटअप में कितने लोग आते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं भी जाऊंगा मीटअप में और डायरेक्टली वहां से आप लोगों को अपडेट दूंगा कि आखिरकार इस मीटअप में कौन कौन था और क्या कुछ हुआ। तो आज शाम की वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि बहुत ही बवाल वीडियो होने वाला है। अब बात करते हैं बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट शफाली बग्गा और बदगी कालरा से पूछा गया कि आपको फुकरा इंसान और एल्विश यादव में से कौन बेहतरीन लगता है, कौन जीत सकता है। तो शफाली बग्गा ने ये कुछ बोला एल्विश और फुकरा इंसान के बारे में। उन्होंने कहा कि नो डाउट फुकरा इंसान ने शो को बहुत कुछ दिया है और एक हद तक शो को संभाला है, बट एल्विश ने शो में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला है और वो बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है, तो मेरे अकॉर्डिंग एल्विश को जीतना चाहिए। एंड बंदगी कालरा ने भी बोला कि अगर फुकरा इंसान और एल्विश में से चूज करना हो तो मैं चूज करूंगी एल्विश यादव को, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बंदा बहुत ही ज्यादा जेन्युइन, ऑनेस्ट और वेल डिजर्विंग कैंडिडेट है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए इस बार बिग बॉस का विनर कौन हो सकता है। अब बात करते हैं फुकरा इंसान के बारे में। तो कुछ दिनों से फुकरा इंसान का जो इंस्टाग्राम है उसके ऊपर एल्विश और फुकरा इंसान की दोस्ती बहुत ज्यादा दिखाई जा रही है, और ये फ्रेंडशिप बॉन्ड इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि एक टाइम पर दोनों के जो फैंस हैं वो आपस में ही लड़ने लगे थे। मतलब ये दोनों बंदे बिग बॉस में जाके नहीं लड़े, बट बाहर इनके फैंस लड़ने लगे थे। और इसी वजह से फुकरा इंसान की टीम ने एक मैसेज दिया कि दोनों भाई हैं, दोनों के बीच में कोई भी लड़ाई नहीं है। और इसी चीज को प्रमोट करते हुए भाई जा रहा ऑन टॉप जैसे वीडियोस फुकरा इंसान के इंस्टाग्राम पर आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। अब बात करते हैं फुकरा इंसान की मम्मी डिंपल मलान के बारे में। उन्होंने बहुत सारी जगह जाकर दिल्ली में लोगों को खाना बांटा और उनको ऐसे बहुत सारे फैंस मिले जो फुकरा इंसान को चीयर्स करते हुए दिखाई दिए। और एक जगह तो सीन बन गया, वो पार्क में गई और वहां पे बहुत सारे अंकल थे जिनको ये तक नहीं पता था कि बिग बॉस क्या है और फुकरा इंसान कौन है। लेकिन जब फुकरा इंसान की मम्मी ने बताया कि बिग बॉस शो है और वहां पर मेरा बेटा गया है जीतने के लिए, तो उन लोगों ने भी अपील की फुकरा इंसान को वोट करने के लिए। अब बात करते हैं मिस्टर फैजू के बारे में। मिस्टर फैजू ने अपनी एक पुरानी रील को रिक्रिएट किया और यहां पर हम डिफरेंस साफ देख सकते हैं कि कितना ज्यादा डिफरेंस आ चुका है मिस्टर फैजू की शक्ल में और कैमरा क्वालिटी में, क्योंकि ये रील 5 से 6 साल पुरानी है और ये अभी काफी ज्यादा वायरल हो रही है। अब बात करते हैं यूट्यूबर फंचो के बारे में। तो उन दोनों को मौका मिला है स्पेन जाकर फुटबॉल मैच देखने का। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर ये रील पोस्ट की, मतलब कमाल है, दोनों बंदे स्पेन जाएंगे वो भी फुटबॉल मैच देखने के लिए और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। सो ये थी आज की बवाल क्रिएटर्स अपडेट। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक मारो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और कल मैं आपको डायरेक्टली दिखूंगा एल्विश यादव के मीटअप में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।